हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिविक्स के चैप्टर पावर शेयरिंग की बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीस। यानी कि हमें ये बताना है कि आखिर पावर को शेयर करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों, पावर शेयरिंग के फोर डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच शेयर करना, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इस मेथड का ऑब्जेक्टिव होता है कि गवर्नमेंट के सभी ऑर्गन्स को सेम लेवल पर प्लेस किया जाए, किसी एक ऑर्गन को सभी पावर्स ना दी जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा फ्रेंड्स, इंडिया के केस में पावर को शेयर किया जाता है पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इंडियन कोर्ट्स के बीच। आएंगे सेकेंड फॉर्म पर, जिसका नाम है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसे हम फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कह सकते हैं। इस मेथड का ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनमें पावर्स को शेयर करना। जैसे कि दोस्तों, एक नेशन में हाई लेवल्स पर भी गवर्नमेंट होती है, लोअर लेवल्स पर भी, तो इन्हीं के बीच पावर को शेयर करना कहलाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा दोस्तों इंडिया के केस में। देखिए, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, आप सब जानते हैं। तो इंडिया में वर्टिकली पावर को शेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। थर्ड फॉर्म को डिस्कस करेंगे। देखिए, पावर को हम लोग शेयर कर सकते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच। जैसे कि दोस्तों, बेल्जियम में डच स्पीकिंग कम्युनिटी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और यहाँ तक कि जर्मन्स ने कम्युनिटी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया ताकि लैंग्वेज रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड और यहाँ तक कि कल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा आप एक एग्जांपल ले सकते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। इंडिया के केस में दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ सीट्स स्पेशली रिजर्व की जाती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, हर सोशल ग्रुप को बराबर माना जाए। लास्ट पावर शेयरिंग की फॉर्म आती है दोस्तों कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर को शेयर करना, या फिर प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स को भी इस प्रोसेस में इंक्लूड करना। देखिए, डेमोक्रेसी के केस में हम सब जानते हैं कि आम जनता अपना लीडर खुद चुनती है, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में टफ कॉम्पिटिशन रहता है। तो एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज की पॉलिटिकल पार्टीज ये डिसाइड कर लें कि उन्हें अलायंस फॉर्म करना है, कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है। तो ऐसे में हम कहते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर को शेयर करना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा दोस्तों कि न्यू लेबर लॉज बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स को कंसल्ट करना। इसी के साथ हमने इस आंसर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। देखिए दोस्तों, इस आंसर को पॉइंट्स के फॉर्म में लिखने के लिए आप इसका रिटन सॉल्यूशन जरूर विजिट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTAC ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।